हालात है खासतौर इस मामले। देखे गाइस, अब मैंने इन लोगों को यहीं डांट, ये घर पर गए और क्या कह रहे हो चाचा, मलाई वाली चाय तो दूर दूर है अभी, लेकिन घुल मिल जाएगा। मार्केट क्या कह रही है? अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत 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 ज्यादा खैरियत से होंगे, बहुत ज्यादा खुश और खुर्रम होंगे और दुआ में मुझे भी याद रख रहे होंगे। तो गाइस आज का ब्लॉग आगाज करते हैं। आज सीन ये है कि अपनी तो तबीयत ठीक ठाक खराब है, फीवर भी हो रहा है, गला भी खराब है, नजला भी हो रहा है, तो खैर फिर भी ये है कि कोशिश करके आज का ब्लॉग कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि ब्लॉग करना है, लाजमी करना है। तो गाइज ये है कि आप लोग ब्लॉग देखें, जरूर देखें, ब्लॉग वगैरह देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जो कि जरूरी है ना भाई। और हम ब्लॉग बना रहे हैं, तबीयत खराब है फिर भी बना रहे हैं, क्योंकि आप लोगों ने देखने हैं। तो चलें गाइज, ये है कि मैं नाश्ते वगैरह की तैयारी करते हैं, क्योंकि अभी भूख भी लग रही है और ऊपर जाने की ना थोड़ी हिम्मत कम है आज, लेकिन फिर भी ये है कि जाना तो है, आज का ब्लॉग बनाना तो है, जाऊंगा तो खैर जैसे रूटीन है, जब अपने सारे काम करने हैं भाई तो कबूतरों की तरफ भी जाएंगे, हारून भी जाएंगे। लेकिन हाँ ये होगा कि थोड़ी सी एनर्जी जो है ना आज, वो थोड़ी सी डाउन की तरफ रहेगी, डाउन यानी नीचे की तरफ रहेगी, लेकिन खैर कोशिश करेंगे कि आप लोगों को फील ना हो कि तबीयत मेरी ज्यादा खराब है। खैर हाँ, मेरा नाश्ता, ये मेरी मलाई वाली चाय, ओए होए होए होए, बाबा आज भी जबरदस्त चाय मिली अपने को। और ये अंडा पराठा हमारा आ गया, जलावा अंडा और जलावा पराठा, चाय तो मलाई वाली, फुल मलाई मार के, जितनी भी मलाई होती है ना, जब मेरी चाय निकल ली तो उस टाइम पे जो मलाई होती सब डाल दी जाती है, क्योंकि मैं बहुत शौक से पीता हूँ ना। तो चलें ये देखें मलाई वाली चाय, चाय में मलाई हो तो चाय पीने का मजा ही अलग है। अगर मलाई नहीं होती ना तो वैसे भाई शॉप पे तो पीता हूँ, घर में अवॉइड करता हूँ मैं चाय में ना। फिर तो चल, तो आ जाओ मिलके करते हैं नाश्ता, आ जाओ साथ करते हैं ना यार, साथ करने में मजा अलग आता है। आ जाए जल्दी से, आ जाए सारे मिलकर नाश्ता करते हैं, फिर उसके बाद अपने चौड़े बच्चों के बाद भी जाना है भाई। तो दोस्तों कर लिया नाश्ता, हो गई पेट पूजा, और क्या कहते हैं भाई, काफी हद तक बेटर फील हो रहा है, क्योंकि खाने के बाद ना थोड़ी सी एनर्जी आ गई। मैं लेटा हुआ था तो उस टाइम पे मेरी हालत बैंड थी, तो मुंह हाथ धो के जब उठा हूँ तो काफी हद तक बेहतर हुआ है। पिछले वाली बात है भाई, लेटर तो ज्यादा तबीयत बंदे को खराब रखती, तो अभी काफी बेहतर है, तो मैंने सोचा यार अभी बेटर फील हो रहा है, ऐसा ना हो दोबारा तबीयत खराब हो जाए। तो पहले छोटे छोटे दोस्तों को देखकर आए थे, तो मैं जल्दी से छत पर आ गया, मैं चक्कर मार लूँ कि कबूतर हमारे कैसे हैं, नजर मार के फिर चलेंगे नीचे। ये देखें गाइस, ये आ गया मैं सीढ़ियों पे, वाले गेट पे नजर मारते, खोलने की तो हिम्मत है ही नहीं भाई आज किसी को भी, चिड़िया चढ़ के भाई थकन हो गई। छोटा केज में देखें सब एक्टिव है माशाल्लाह, हो भाई शेरू और शैतान कबूतर भी माशाल्लाह साथ साथ बैठ रहे हैं, तो चलो यार शायद ये भी जल्दी से अंडा दे दें, तो बराबर वाले में देखते हैं उसको, देखें कितना मस्त हो रहा है। वाह भाई वाह, ओए होए, इसका इनका दूसरा अंडा भी आ गया भाई, वाह 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 भाई डॉन, तुम तो सही जा रहे हो भाई, तुम लोग भी जल्दी से दो ना पेयर, और हमारा ये नए वाले पेयर के क्या हालात हैं भाई, ये भी एक्टिव है माशाल्लाह। तो पहले दूसरा दिन जो होता है ना, थोड़ा सा कबूतरों के लिए मुश्किल होता है, क्योंकि नई जगह जाके एडजस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, माशाल्लाह से बहुत ज्यादा एक्टिव है। शाम में आऊंगा तो मैं इनको नीचे खोलूंगा, अभी नहीं खोल रहा क्योंकि अभी मैं चले जाऊंगा, ऐसा ना मारे तो अंदाजा होगा ना, पुराने वाले मारते हैं। माशाल्लाह से एक्टिव है भाई, माशाल्लाह से आप लोग दुआ करिएगा कि ये भी जल्दी से सेट हो जाए, इनका भी जोड़ा लगे और ये भी अंडे बच्चे करें भाई। ये वाले केज में भी सब ओके की रिपोर्ट है, ये देखें भाई इनके दो अंडे हो गए, ये डॉन का और डॉन की जो डॉन के साथ जो मादी ना ब्लैक वाली उसके अंडे। वैसे तो देखें बड़े दिनों बाद इन्होंने दिए हैं तो इनके बच्चे निकलवाते हैं, वरना नॉर्मली में इनके बच्चे अच्छे आएंगे नहीं, खूबसूरत नहीं आएंगे, तो खूबसूरत नहीं आएंगे तो निकलवाने का नहीं होता, लेकिन चलो निकलवाते हैं। देख चले भाई नीचे जा रहा हूँ, थकन यहाँ पे आके धूप लग रही है ना तो अजीब सा फील हो रहा है, तो नीचे चलते हैं। माशाल्लाह से ये देखें ये वाला प्यार हमारा कितना एक्टिव हो गया, अब ये भी जगह बना रहे हैं अपनी कहीं, इंशाल्लाह जल्दी से ये भी थोड़े दिनों में मुझे लग रहा है कुछ दिनों में ये भी अंडे वंडे दे देंगे। बड़े तो हो गए बच्चे थे ये, माशाल्लाह बड़े हो गए हैं, जोड़ा वोड़ा भी लग गया है, साइज वगैरह तो इनका बढ़ता ही चले जा रहा है माशाल्लाह, और जब ये एक ब्रीड कर लेंगे ना तो फिर इनका साइज दिखेगा और कितना बड़ा हो जाएगा। चलो भाई दोस्तों ऊपर जा रहे हैं, शाम हो चुकी है, असर की नमाज वगैरह का टाइम गुजर गया है, काफी देर हो गई है, मतलब काफी देर से मुराद असर की नमाज वगैरह हो गई है, नमाज वगैरह, तो अब ये कि हम ऊपर जा रहे हैं, आप तबीयत सेट है तो नहीं, लेकिन थोड़ी देर तो भाई ऊपर जाना है, देखते हैं मूड बना तो थोड़ी देर खोल भी देंगे। ये देखें भाई सारे गिरे, सब मूड में मस्त है, अब खोल दूं क्या, चले खोलते हैं, लेकिन मलका शेरू वगैरह को तो बंद कर दूं भाई। ये देखें भाई मैंने इनको तो बंद कर दिया, मैंने केज खोल दिए, ये लोग उड़ने ऊपर है, बाहर जाके दाना डालता हूँ तो ताकि ये लोग बाहर आ जाए। बाहर मैंने इनको खोल दिया, ये दोनों तो बाहर आ गए, शैतान कबूतर और वो अभी ऊपर ही है, वो भी आ जाएंगे, मैं जा रहा हूँ बराबर वाले केज, सारे ये बैठे हुए, और ये मैं इनको भी बाहर खोल रहा हूँ ना, इनको भी बाहर निकालते हैं फिर दाना डालते हैं। चलो भाई आ जाओ, तुम लोग भी आ जाओ। ये देखें गाइस ये मादी को छोड़ रहा हूँ मैं,
ओए होए 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 राजा, ये देखें ये भाई, ये दोनों छोड़ दिए भाई। देखें ये हमारे नए कबूतर हैं माशाल्लाह से, ये हम नए लेकर आए कबूतर दोनों। और आप बताइएगा इनकी खूबसूरती और इनकी ब्यूटी देखें आप बताइएगा कि भाई कैसे हैं ये, कैसे हैं, इतने प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह से यार, जबरदस्त। अब मैं ये खोल के बाहर बाहर ही डाल रहा हूँ। और ये देखें कि हमारे डॉन के अंडे, डॉन की कबूतरी के अंडे। चले अब इनको बाहर, अब दाना डालता हूँ मैं ताकि लोग नीचे आए। आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, क्या आ गया ना, ये डॉन आ गया, ये मादिया की शहजादी आ गई, ये शहजादा भी आ गया, और ये ब्लैक, दोनों ब्लैक वाले भी आ गए। अब ये सारे आ गए और हमारे नए कबूतर भी, नए कबूतर थोड़ा पीछे पीछे हैं भाई इनके, असल में वो अभी डर रहे हैं ना, उनको पता ही नहीं है अभी। नए नए कबूतर भी हैं ना, नए नए, माशाल्लाह देखें भाई खूबसूरती देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह। इनका भी सीन ये रखूंगा नए कबूतर का भी कि भाई इनको खोल दिया करूंगा, खुले रहने दूंगा, और जोड़े लगाने के लिए जैसे मैंने शहजादे शहजादी को बंद करा था ना, वैसे आप देख रहे हैं शहजादी की खुशी देख रहे हैं आप, नए लोगों को देख के भाई इनकी खुशी तो देखिए आप, माशाल्लाह माशाल्लाह भाई माशाल्लाह जबरदस्त। ये तुम लोग दाना क्यों नहीं खा रहे, दाना खाओ, आओ आ जाओ तुम लोग भी आ जाओ, नए वालों आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सारे खाओ सारे खाओ सारे खाओ सारे खाओ, आ जाओ आ जाओ। ये देखें भाई, ये देखें भाई, ये देखें भाई, ये देखें इसकी शहजादे को देख रहे हैं, ओए होए नए कबूतर को देख के भाई ये तो फुल मूड में आ गया है, फुल मूड में आया हुआ है, देख रहे हैं आप, ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं आप, ये देख रहे हैं, हरकतें देखें शहजादे की, अल्लाह वाह भाई वाह, इतना मूड में तो ये पहले कभी भी नहीं देखा मैंने इसको, इतनी मस्तियों में। शहजादे की खुशी तो देखें नए लोग, नए जो उसके दोस्त आए हैं उसकी खुशी का इंतहा ही नहीं रही भाई। अच्छा माजी तो घुल मिल गई है, नर थोड़ा सा थोड़ा दूर दूर है अभी, लेकिन घुल मिल जाएगा ये भी, ये अकेला ही बाहर है भाई, बाकी तो सब अंदर है, तो उसको भी अंदर कर देते हैं, अंदर ही दाना डालते हैं। चलो भाई तुम भी अंदर जाओ, मैं उन लोगों को भी खोल ही देता हूँ, हालांकि मैंने उनको अंदर दाना डाल दिया था, लेकिन अभी एक नमल का शरीर वगैरह को भी खोल ही दूंगा, डायरेक्ट अंदर दाना डाल देता। ये देखे गाइस, अब मैंने इन लोगों को यहीं दाना डाल दिया, ये सारे बाहर आना स्टार्ट हो गए, छोटे गेज के भी हमारे आ गए, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ जल्दी से, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, व्हाइट कलर रह गया, बाकी तो सब नीचे, आ जाओ 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 भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, माशाल्लाह भाई माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। बस भाई अब ये भी सब दाना खा रहे हैं, अब हम चलते हैं नीचे, चाय के हारने की तैयारी करें, आज भाई तबीयत खराब है, बुखार भी है, नल गला भी खराब है, तो ऐसा कुछ खाया भी नहीं जा रहा ना, तो चलें भाई देखते हैं, एक आध दिन मुझे लग रहा है कि यही रहेगा। इसकी मस्तियाँ देख रहे हैं, अब खुली है ना तो इसकी मस्तियाँ देखें, जबरदस्त भाई माशाल्लाह माशाल्लाह। अभी नहीं है यहाँ घुलने फिरने में, इसको देखो शहजादे के कितने मजे आ रहे हैं भाई, शहजादे साहब को भाई खुश हो गए पूरे माशाल्लाह से भाई, वाह भाई वाह। चलें भाई चलें, अब हम तो चलते हैं नीचे, सब दाना खा रहे हैं वहाँ, वो अपनी मस्ती में। हारून हम आ गए अपने भाई के पास, आज हमने बोला राहिल भाई से मुलाकात कर लें, क्योंकि इनकी जो टाइमिंग है ना भाई, ये बड़े लोग हैं, थोड़ी सी देर के लिए आते हैं छूने मार्केट को दिखाने, माशाल्लाह से इनकी देखें शॉप है, ये सारी इनकी शॉप है, और इतने जबरदस्त जबरदस्त इन्होंने कपड़े लगाए हुए हैं, अगर आप किसी को लेने हैं तो आ जाए, सस्ते हैं, सबसे बड़ी बात सस्ते हैं, हारून में सब कुछ सस्ता है, ऐसे ही है ना भाई, यही बात है। ये देखें भाई ये माशाल्लाह, ये देखो बगैर कपड़ों के भी डमी लगाई उन्होंने, ऐसा हुआ बाकी, ये थोड़े से बड़े बच्चों के 7-8 साल वाली जो सेटिंग होती है वो है, माशाल्लाह से डिस्प्ले बहुत अच्छा करा हुआ है राहुल भाई ने, जो कि हमेशा से करते हैं भाई, बाकी उनीप शुनीप, उनीप का है घर पर गया और क्या कह रहे हो चाचा, क्या कह रही है मार्केट, मार्केट के हमारी हालात, मार्केट ये कह रही है कि हालात अच्छे नहीं है मार्केट, हाँ अभी इन दिनों में हालांकि अच्छा काम होता है, तो इन दिनों में ऐसा हो गया कि हम दिन भर में 2-4-5 कस्टमर मुश्किल से आ रहे हैं, अब वो डील हो गए तो ठीक, वरना किसी के वो भी नहीं हो रहे, किसी के उससे ज्यादा हो रहे, किसी के कुछ भी नहीं हो रहे, ऐसे ही ना भाई मसला यही है, क्या कर सकते हैं, रेट बन नहीं रहे, कॉस्टिंग है नहीं, लोगों की गुंजाइश है नहीं, मतलब खाने का पूरा हो तो फिर छूट के करे, हालांकि शादी का प्रोसेस चल रहा है, लोगों की शादी तकरीबात है, लेकिन यहाँ पर कस्टमर नहीं है, कस्टमर नहीं है, कस्टमर की रेंज से बाहर हो रहा है, कॉस्टिंग इतनी हाई है ना कि कस्टमर कहता है कि वो पुराने रेट पे कर दो, यहाँ तक कि कस्टमर ऐसा हो गया कि 5 साल पिछले चले जाओ तो कस्टमर बोलता है वो रेट पे दे दो, अब नए रेट इतने हाई फाई चल रहे हैं नए रेटों में, इस तरीके से पॉसिबल ही नहीं है ना, फिर यही तो मसला है, ये होता है कि हालांकि अभी भी हम लोग कोशिश यही कर रहे हैं कि नए पुराने रेट में ना दे, लेकिन आसपास चीजें ढूंढ डाल के वही लेकर आ रहे हैं उन्हीं रेटों में, लेकिन मसला तो ये है ना, ढूंढ के तो लेकर आ रहे हैं लेकिन रेट तो बहुत अवर है ना, रेट हालांकि लोग कह रहे हैं कि महंगाई कम हो रही है कम हो रही है, लेकिन महंगाई हमें तो कम नहीं मिल रही ना, नहीं मिल रही, बढ़ रही, अब समझ में नहीं आ रहा, लोगों को नुकसान भी हो रहा है, लेकिन महंगाई वही के वही है, सब चीज राशन वही है, पेट्रोल थोड़ा बहुत अभी नीचे आया है,
तो लेकिन तो हालात बेहतर नहीं हो रहे ना, आप इंसान की जरूरियात की जिंदगी पूरी हो तो आगे मामला आए। अब ये तो जो मार्केटिंग लाइन है तो ये तो बेहतर ये होता है ना कि जब इंसान की जरूरत है जिंदगी पूरी होगी तो फिर मार्केट में एंटर होता है। बिल्कुल ऐसा ही पहले, अब उसकी जेब में पैसे ही नहीं है मार्केट हाँ, आने के लिए उसको रिक्शे का भी किराया चाहिए, अगर अपनी कन्वेंस उसको फ्यूल चाहिए, फ्यूल के लिए फिर इनकम भी हो उसकी भाई, मतलब बच्चे एक आसान लफ्जों में ये है कि भाई पहले बंदा अपना पेट पाल ले उसके बाद जो बचेगा वो। अब रेंट के एक्सपेंसिव है, बिजली के हैं, गैस के हैं, पानी के हैं, पानी आता नहीं है उसका एक्सपेंस देना पड़ता है, सब कुछ दे रहे हैं भाई। अब तो जो अब तो पोजीशन ऐसी हो गई है कराची का, अगर हम खास तौर पर कराची की बात करें कि भाई टैंकरों पर पलने लग जाए कराची, अभी अभी स्टार्ट है, मतलब अभी पोश इलाकों में ये कहानी चल रही है, लेकिन जैसी जो कंडीशन दिख रही है आने वाले दो सालों में आप यकीन कर लें कराची में पानी सिर्फ बिखरा होगा, नलों में वैसे नहीं है। यकीन करें कि देहातों में गोट के अंदर जो ना पानी आपको इतना अच्छा मिल रहा है, और जो शहरी आबादी जो आपको बिल पे कर रहे हैं उसकी तरफ से कोई हमें कोई सहूलत नहीं है कि हमें पानी मिले, बिजली का बिल इतने आते हैं ऐसा लगता है कि हम ही एसी चला रहे हैं घर में या हमारे पास हीटर लगे हुए हैं जो भी वाला एक्स वाई जेड, बट हमारी तो समस्या बाहर है, हम तो हमारा दिमाग काम नहीं करता कि हम क्या करें मार्केट लाइन के अंदर। जबरदस्त, आप सुनाए मजे हो रहे हैं आप सबके यहाँ पे बस क्या कर सकते हैं, बस अल्लाह खैर करे, ये कि अल्लाह का शुक्र है अच्छा खा रहे अच्छा पहन रहे सब कुछ चल रहा है, लेकिन हालात अच्छे नहीं है किसी के, ओवरऑल बस ये अल्लाह का शुक्र है। हाँ अल्लाह का बहुत शुक्र है भाई कि गुजारा चल रहा है, ये भी बड़ी बात है, वरना हम क्या खा लेंगे। फरकान भाई की मेहरबानी है, फरकान भाई भी मौजबारी कर रहे हैं तो हम भी मौजबार कर रहे हैं, लगे पड़े में बहुत मस्ती हूँ, मस्त है जबरदस्त। चलो शजी भाई राइल में तो रोज बोना पिंगना मजा रहा था, मार्केट क्या कह रही है अच्छा। अब ये है कि जो टाइम हो गया है ना, मतलब अब जो टाइम हो गया है इसके हिसाब से तो फिर कह सकते हैं सन्नाटा, क्योंकि अब तो रबी लवल भी मेरे ख्याल से ग्यारहवीं ग्यारहवीं स्टार्ट हो गई है, बल्कि ग्यारहवीं हाँ मतलब कहने का मतलब है कि ग्यारहवीं भी स्टार्ट हो गई है, और बीच में तो सही था। अब मेरे ख्याल से जहाँ तक मेरा अपना भाई ओपिनियन है, अब दिसंबर में जाके काम होगा, एक डेढ़ दो महीना जो है ये ऐसे चलेगा, क्योंकि दिसंबर में वो क्रिसमस का होता है उसका काम लेगा, शादियों वाले जो काम है वो इस दफा इतना कोई खास हुआ नहीं है, महंगाई इतनी है, हर बंदा रो रहा है, आप पार्टी में सारी बाहर खड़ी है, मामू हमारे ये जा रहे हैं। हाँ भाई क्या हाल है, मजे आ रहे हैं, बोल चेहरा क्यों उतरा हुआ, क्या क्या बोल दिया तुम लोगों ने इसको बटे उसाम अपनी टंकी छुपा रहा है, फारिक बैठे में वीडियो बनाएंगे और क्या करेंगे, ये क्या वसूली भाई लेके बैठे, वो तीन दिन हो गए वसूली भाई, मैंने तो अभी देखा खर्चा हुआ है, बंदा नया नया हो गया है भाई, अब क्या करें मार्केट खाली है तो खाली दिखाएंगे, हड्डियां ना खा ले यही चल रहा है, रोटी से बेजार है, रोटी से बेजार है, और पानी बहुत है, हालात बहुत खराब है, कितना खराब पैसे देने के बजाय लेके जा रही, यहाँ से वहां तक बिल्कुल खाली है, और सुनाए मजे आ रहे हैं, बस क्या हाल है भाई, मार्केट का सन्नाटा ही सन्नाटा, हर बंदा सन्नाटे में रो रहा है, राशिद भाई, अर्षद, अर्षद भाई, अर्षद भाई, हमारे शाजी भाई सब रो रहे हैं भाई, जिसको देखो रो रहा है शाजी भाई यार, जिसको देखो रो रहा है, वाकई में यार आज तो कुछ ज्यादा ही, तो आज ज्यादा ज्यादा सन्नाटा दिख रहा है यार, सन्नाटे का मतलब लोग नहीं है, तो फिर लोग नहीं है तो क्या वो काम पे डिपेंड करता है, काम होना चाहिए भाई, लोग हो ना हो, लेकिन लोग नहीं है तो फिर काम भी लोगों का नहीं होगा, ये तो है। चेहरा क्यों खराब है आपका यार भाई, चेहरा सलीम तो... भाई टेंशन सही कहता हूँ फिर मैं, सलीम टेंशन, सलीम भाई को टेंशन इस बात का रहता है भाई, यहाँ जो हम मेंटेनेंस देते हैं दुकानदार की हालत देखते हुए उनको छोड़ना पड़ता है, कोई कहता तीन दिन से बिस्मिल्लाह, आज पता है क्या सीन है सलीम, मैं अपने बता रहा हूँ, आज इत्तेफाक से बाहर निकला हूँ ना मैं राहिल के पास गया, और भी लोग सारे बंदा रो रहा है भाई, हाँ तो मसला दुकान पर हो रहा है, पूरा ना परेशान रहता है, अब वो कहते हैं भाई मेंटेनेंस लेकर आओ, मेंटेनेंस जो हमारे बोसेस बने हुए हैं, कुछ दुकानें इसमें ऐसी हैं हमारे यहाँ मेंटेनेंस के हवाले से दुकानें बंद पड़ी हैं महीनों से, ऐसा भी है उनकी मेंटेनेंस मिलेगी नहीं ना जब तक वो आएंगे नहीं, बिल्कुल ऐसा ही, इसी तरह कुछ दुकानें ऐसे जिनकी दो दो दिन से बिस्मिल्लाह नहीं हुई है, ऐसा ही है, तो मुझे टेंशन नहीं होता, मैं अफसोस करता हूँ
मतलब ये कि हारून मार्केट के हालात हैं तो अच्छे नहीं है, ऐसा कह सकते हैं भाई? मैं ये समझता हूँ इस हारून मार्केट के हालात हैं, खासतौर इस मॉल पर जिस मॉल में हम लोग काम कर रहे हैं। मतलब वैसे आपको मसलन आउटडोर भी घूम रहे होते हैं, प्रॉपर्टी का काम भी करते हैं माशाल्लाह से, तो ये बताएं ये हमारे हारून मार्केट के ये हालात हैं और आगे पीछे मार्केटों के ये हालात हैं? तकरीबन इसमें हारून मार्केट के हालात ज्यादा ही कुछ खराब लगते हैं मुझे, लेकिन ओवरऑल इतने हालात में अच्छे नहीं है। लेकिन फिर भी मैं भी कुछ ना कुछ होते रहता है। ये तो है। और जहाँ तक प्रॉपर्टी का ताल्लुक है तो प्रॉपर्टी जनाब वाला बिल्कुल लेटी हुई है, बैठी हुई है, इसलिए उसके बारे में कोई खास बात कर नहीं सकते। कुछ मामला इतने बिगड़ गए कि बस, तो भाई ये है मामला, ये टेंशन इसी बात का लिए भी ज्यादा दिए भी ज्यादा कि या तो पैसे ले लें दुकानदार को टेंशन दे, या कोई टेंशन ले लें उनका ख्याल कर लें। कैसे लेंगे यार, जब उसके पास होंगे नहीं तो आप जबरदस्ती भी कैसे ले लो? तो इससे वैसे थोड़ा ख्याल करना पड़ता है, तो बस और कोई बात नहीं है, बस बात सही है भाई। अल्लाह सबकी रिस्क में बरोजी में बरकत दे और मामला तो सबके हल करे। आज सलीम भाई हैरत है मुझे, सलीम भाई हमारे फुल तफरी वाले बंदे, इतनी सीरियस गुफ्तगू इन्होंने आज करी है, वरना माशाल्लाह जब इनके साथ हम खड़े होते हैं ना तो तफरियां करते हैं बस। सब जो है ना परेशान चल रहे हैं, सब पता है खैर होती है सलीम भाई, खैर होती है, सबकी खैर हो, सबकी खैर। और अल्लाह ने खास तौर पाकिस्तान की टीम को खैर करे भाई, इसके हालात पहुंचे ना, इसने हमें रुला दिया है, लिटा दिया है, भली अपना काम काज छोड़ती है और मैच देखती है और वहाँ पाकिस्तान हार जाता है मजे मजे से, और मजे से दूर की बात है, बच्चों से हार रहे हैं वो तो वही चाहे मतलब वही जो कट देते हैं। और कैसा है भाई नीचे का माहौल? अरे आज तो मार्केट एकदम सोने, जिसके पास गया हर बंदा रो रहा है, काम नहीं सोन चल रहा माहौल। आप सुनाओ कैसे हो? आप भाइयों की दुआएं, आप भाइयों की नगरी में जी रहे हैं। ओए भाई मुंह था चाय का और चाय लिया ना काफी देर से, शादी में चाय आ गई, चाय 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 आ गया, चाय चाय चाय। शाजी बैठे ना बोर हो गए, शाजी में बैठे बैठे हैं। तो दोस्तों आज के व्लॉग का यही एंड करते हैं, आज की वीडियो को यही खत्म करते हैं। तबीयत बिल्कुल नासाद है और आपका भाई फुल ऑफ एनर्जी फिर भी खड़ा हुआ है आप लोगों के लिए, तो आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि मेरे चैनल को जाएं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब, सबसे ज्यादा सब्सक्राइब करें और वॉच करें, तो खुद भी करें और अपने से रिलेटेड दोस्तों को भी बोलें कि भाई जाके देखो फुरकान सिद्दीकी चैनल। आसान सा नाम है भाई माशाल्लाह से, बहुत आसान सा नाम है फुरकान सिद्दीकी, जाएं जाके लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दुआओं में जरूर याद रखें, क्योंकि भाई दुआओं की जरूरत वैसे तो नॉर्मल सबको होती ही है, अभी बीमार होने थोड़ी ज्यादा है भाई। तो गाइज आज की वीडियो का यही एंड करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि आप लोग बहुत 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 ज्यादा खैरियत से होंगे, बहुत ज्यादा ठीक होंगे और मुझे दुआओं में जरूर याद रखे होंगे। तो गाइज इंशाल्लाह मिलते हैं आप लोगों से कल, बहुत दूर नहीं, नेक्स्ट वीडियो में कल ही मिलेंगे भाई, ज्यादा देर का इंतजार नहीं कर रहा था मैं आप लोगों को, कुछ घंटों का इंतजार हो रहा है, तो कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज, खुश रहें, दुआ में याद रखें और मिलते हैं ब्रेक के बाद। क्या ब्रेक? ब्रेक 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 के बाद।